हेलो दोस्तों, सो वेलकम टू आवर चैनल फ्रेंड कार्स। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है बुलेट ट्रेन के ऊपर कि भारत में भी बुलेट ट्रेन आने वाली है, तो उसमें क्या रहेगा, कैसा रहेगा, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों भारत में भी बुलेट ट्रेन आ रही है जिसका लोन हमने जापान से लिया है, वो लगभग 88,000 करोड़ रुपये का है, जो 0.1% ब्याज दर से जापान ने हमको दिया है, वो भी 50 साल के लिए। दोस्तों आइए हम जानते हैं बुलेट ट्रेन की स्पीड क्या होगी। बुलेट ट्रेन की स्पीड लगभग 250 से 300 की होती है, जापान में 250 से 300 की होती है, और चाइना तो अभी 600 तक की स्पीड में चला रहा है। दोस्तों इतनी स्पीड रहती है कि आपके पलक झपकने से पहले ही ट्रेन गायब हो जाती है, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों बुलेट ट्रेन का चलाने का या बनाने का कॉस्ट लगभग अप्रॉक्स 1 ट्रिलियन रुपीज से 1.5 ट्रिलियन रुपीज तक रहता है 500 किलोमीटर के लिए, और इसका 1 किलोमीटर का कॉस्ट लगभग 200 करोड़ से 250 करोड़ 1 किलोमीटर का रहता है। तो दोस्तों आइए हम समझते हैं कि बुलेट ट्रेन बनाने में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा रहेगा। दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम हाईटेक रहेगा, सुपर हाईटेक रहेगा, बहुत ही नई नई टेक्नोलॉजी का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, नए नए ब्रिज बनेंगे। ऐसा तो है नहीं कि जिसमें नॉर्मल ट्रेन जाती है उसी पटरी में हम बुलेट ट्रेन को भी चला देंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोनों की स्पीड अलग अलग रहती है दोस्तों, तो उसके हिसाब से हम पूरा ट्रैक बनाते हैं। तो इसके लिए बुलेट ट्रेन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही मतलब शानदार रहेगा, बहुत ही महंगा रहेगा। हमारे प्लेटफॉर्म जो स्टेशन है उसको भी हम बहुत ही क्या बोलते हैं रेनोवेट करवाएंगे, उसमें बहुत खर्च करके उसको एयरपोर्ट जैसा लुक देने की प्रयास करेंगे, क्योंकि इसका ट्रैक और प्लेटफॉर्म दोनों अलग रहता है, और एकदम आपको रिच फीलिंग देगा, आप जाएंगे तो लगेगा हाँ मैं भी अमीर आदमी हूँ। दोस्तों बुलेट ट्रेन जो बनेगा उसके मैनेजमेंट के लिए भी हमको बहुत लोगों की जरूरत है। इसके लिए NHRCL नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन ने एक अलग से वडोदरा में ट्रेनिंग सेंटर खोला है, जिसमें 20,000 लोगों को 5 साल में प्रशिक्षित किया जाएगा बुलेट ट्रेन के लिए, टेक्निकलिटीज के लिए, सिक्योरिटी के लिए और ऐसी अन्य छोटे बड़े कामों के लिए। और जो इसका सॉफ्टवेयर है उसको TCS और जो जापान की कंपनी है जीका, वो दोनों मिलकर बना रहे हैं, और इसमें इंफोसिस का भी साथ रहेगा और नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर का भी। तो दोस्तों अभी जो भारत में बुलेट ट्रेन के लिए रूट तय हुआ है वो है मुंबई से अहमदाबाद, ये रूट अभी तय हुआ है। इसमें टोटल 12 स्टेशन रहेंगे और ये रूट मुंबई से अहमदाबाद ही, लगभग इसकी दूरी 500 किलोमीटर की है। तो दोस्तों बुलेट ट्रेन का प्राइस, यही सबसे मेन टॉपिक है कि इसका प्राइस क्या रहने वाला है। जो इसका शुरुआती प्राइस है वो 3,000 से लेके 20,000 तक है, और इसी रूट में जो अहमदाबाद से मुंबई का जो फ्लाइट का फेयर है वो 3,000 से अप्रॉक्स 8,000 तक बस रहता है, तो लगभग लगभग थोड़ा सा बुलेट ट्रेन का ज़्यादा ही है। और जो टाइम लगेगा पहुँचने में वो बुलेट ट्रेन का 2 घंटे से 2.5 घंटे है, और फ्लाइट का 1 घंटा 20 मिनट है, पर कुछ जो वहाँ सिक्योरिटी चेक के कारण वो भी 2-3 घंटा लग जाता है, तो लगभग सेम टाइम है, आप अपने हिसाब से देखिएगा, मान लो कभी सफर किए तो। दोस्तों बुलेट ट्रेन को लगभग 500 किलोमीटर पहुंचने में लगभग 2 घंटे का समय लगेगा, क्योंकि ट्रेन बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड में चलेगी, 250-300 की स्पीड में चलेगी, तो आपको अपने इस गंतव्य स्थान डेस्टिनेशन तक पहुंचने में बहुत ही कम टाइम लगेगा। दोस्तों बुलेट ट्रेन में टोटल 731 सीटें रहेंगी, जिसमें 658 ऑर्डिनरी, 55 ग्रीन मतलब थोड़ा सा VIP टाइप का, और 18 ग्रैंड मतलब एकदम प्रीमियम टाइप का रहेगा, और इन सभी में खाना वो मुफ्त रहेगा, और इसको एयर होस्टेस लाइट मतलब जैसे फ्लाइट में एयर होस्टेस रहती है वैसे इसमें भी एयर होस्टेस की तर्ज पर कई लोग रहेंगे जो आपको सर्व करेंगे। तो दोस्तों इस ट्रेन को चलाने वाले पायलट की भी अलग से रिक्रूटमेंट निकलेगी, इनके भी अलग से भर्ती होगी, जैसे अभी हम नॉर्मली ट्रेन ड्राइवर को हम लोको पायलट बोलते हैं, इनके बुलेट के भी पायलट्स की भी भर्तियां निकलेंगी, इनको अलग से प्रशिक्षित किया जाएगा, इनको अलग से ट्रेनिंग दी जाएगी बुलेट ट्रेन के लिए। आशा करता हूँ दोस्तों कि बुलेट ट्रेन भारत में जल्दी आए, हम भी चाहते हैं, मैं और धर्मेश जी भी, जैसे बुलेट ट्रेन आएगी जब उसका फर्स्ट रन होगा पहले बार में भी, मैं और धर्मेश जी पूरी कोशिश करेंगे कि हम उस बुलेट ट्रेन में सफ़र करें। अगर हमारा चैनल तब तक बहुत अच्छा रहा तो हम उसका ब्लॉग भी जरूर डालेंगे, तो तब तक बने रहे हमारे साथ। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को आज हम यही समाप्त करते हैं, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आशा करें भारत और प्रगति करें।